अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फिर पड़ेगा दिखा हेलो अभी इधर से जितना भी गोलकुंडे से भी आए तो फिर वहीं निकलते थे। तरह डरते घर भी पानी पी जाए इधर आगे मेनोल खुले मुन्ने का पैर मेनोल में गया तो घोड़ा चलाना मालूम पड़ा था। हाँ अब दवाई चाहिए। जिम कॉलोनी से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है निचले बारिश होने के बाद से जो है ना तब इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन है और फर्स्ट एड हो रहा था, यानी कि कुछ लोग हेल्प करने आ रहे भी थे, पर बारिश की वजह से फिर से जो है ना पानी वापस दोबारा भरने से पहले, दो दिन पहले तो पानी इस गली में तो ख़त्म हो गया था, पर फिर भी कल बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर से पानी भर गया। तो ऑलमोस्ट जो है अभी 5 डेज का इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो लोगों की बेसिक नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, यानी कि जिसके पास खाना वगैरह जो भी था वो तो खा लिए, पर पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। पीने के लिए पानी नहीं है, इवन जो है ना इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, कोई तो चीज़ वॉश करने के लिए कुछ पानी नहीं है पर। और इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन ऐसा है कि फर्स्ट डे जब पानी फुल लेवल में था तो उस दिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, पर हो सकता है कि पीछे कुछ फटाकात में जो है ना ऑलमोस्ट 1 फ्लोर पानी आ गया, उसकी वजह से ये मीटर्स में और मेन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनसीबी बॉक्सेस में जो है ना पानी जाने की वजह से
घरों में अर्थिंग आ रही थी और जो हेल्प कर रहे थे यानी कि अंदर से लोगों को निकालने के लिए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दिए। बट एटलीस्ट कल यहाँ जो इस गली का ट्रांसफर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शमशीर है। टोली चौकी नदीम कॉलोनी का हाल ये है, पिछले 5-6 दिन हफ्ता हो गया है, तो एक कल थोड़ा पानी कम हुआ था, कल की बारिश की वजह से फिर पानी बढ़ गया और हम लोगों के सर्टिफिकेट वगैरह पूरे पानी में बह गए और कपड़े वगैरह, बच्चे की शादी थी उस बच्चे की जोड़े में डालने के कपड़े वगैरह पूरे बह गए। आपको मैं तो घर का वीडियो बताना चाह रहा हूँ लेकिन अभी घर के पास तक तो नहीं जा सकते। हम लोग कल लिए थे वीडियो से, हम लोग आज रिपोर्टिंग को दे देते। और हम लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि हम लोगों को यहाँ से तो बाहर निकाल दिए लेकिन रहने का इंतज़ाम फंक्शन हॉल में वगैरह बोले, लेकिन वहाँ पे नहीं रहे, हम किसी पड़ोसी के पास रह रहे हैं, लेकिन किसी के पास कितने दिन बोल के रह सकते साहब, किसी के पास। हम लोग 10 जने रहते फैमिली में, कोई 10 जने 5 दिन खाना डालना वो तो बहुत बड़ी बात है साहब, 1 दिन का 1 टाइम का निकलना बहुत मुश्किल है। अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन अब 1 हफ्ता हो जा रहा लेकिन आज तक कोई ये नहीं है, लेकिन ये पानी कहाँ हो रहा, फिर भी मेनल में से ओवरफ्लो होकर निकल जा रहा लेकिन ये पानी जाने का एक ज़रिया नहीं बन रहा, फिर ये पानी कितने दिन रहेगा, हम लोग प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे, हम लोग हमारे घर में कब जाएंगे, हमारा फर्नीचर वगैरह पूरा टूट गया था। परसों रिसेंटली हमारी भाई की शादी हुई, उनका पूरा फर्नीचर चले गया और साड़ियाँ वगैरह पूरे उनके जेवरात पूरे ये हो गए, और अंदर जाके देखेंगे बोलते हो डोरा नहीं खुले सर, उतना टाइट हो गया मसला, लेकिन किसी को कुछ बोलने का ये नहीं है। कहीं यहाँ के कॉरपोरेटर साहब और यहाँ की हुकूमत से ये गुजारिश है कि किसी हर किसी को हेल्प करे, लेकिन हम लोगों को भी ये हेल्प करना चाहिए और हुकूमत के तरफ से हम लोगों को भी कौन सा भी एक फ़ंड देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है साहब। हम लोग आप लोग हर किसी को दे रहे, हम लोगों को भी हेल्प करिए सर प्लीज़। हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे गवर्नमेंट तेलंगाना से, और इधर रहे तो MLA MIM के MLA सर और कॉरपोरेटर सर से यही रिक्वेस्ट है। हम लोगों को भी देखिए सर, हम लोग बहुत परेशान है, कोई लोग बोलने नहीं, बोलने डर रहे सर, यहाँ पे पब्लिक को पूछे तो बोलने डर रहे, और डर किस बात का है समझ में नहीं आ रहा। आज मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आइए सर, आके देखिए प्रॉब्लम है, कितने प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं यहाँ पे, पीने का पानी परेशानी है सर, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं सर, बिल्ली के बच्चे भी मर गए हम लोगों के बच्चे भी ये करने के वास्ते, लेकिन कोई प्रॉब्लम ये इतना फेस हो रहा सर, लेकिन कोई हम लोगों को ये देने का ये नहीं रहा सर। फिर भी अस्सलाम वालेकुम।